का प्रसार प्रचार करना, पंजाबी लिए काम करना साडा एक चा वा। और जिस चीज में चा शामिल नहीं हुंदा वो वंगार वजार बन जाती है, वो बोझ बन जाती है। इसे भावना नाल इस यूनिवर्सिटी सारा काम हो रहा है और जिदा मेरे नालों वध तुहानू पता है। पंजाबी डायस्पोरा बारे ये पहली कॉन्फ्रेंस इस उद्घाटनी समागम विच मैं पंजाबी विभाग वालों और इस यूनिवर्सिटी वालों सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा जी होरां दा विशेष धन्यवाद करदा। बड़े दरवेश तरबीयत वाले सियासतदान ने और जिन्ना हनेर मचिया सियासत विच कहने की लोड़ नहीं, पर अजिहे शख्स भी ने जिहड़े ईमानदारी नाल दूर अंदेशी नाल और सारिया नाल प्यार मुहब्बत रख के राजनीति कर रहे ने। साडा उन्हां नाल जुड़ के सिर उच्चा हुंदा, वो विशेष तौर पर रजेवें चो वक्त कढ के आए, उन्हां दा शुक्रिया। सुरजीत पात्र जी साडा सारिया दा माण ने, एक कवि वजो नहीं उहदे वजो तां उन्हां दा कोई मुकाबला ही नहीं, एक खूबसूरत एक सुचजे इंसान वजो साडे मनां विच उन्हां दी बहुत कदर है। और खूबसूरती है कि उन्होंने हमेशा एक कदर वधाई है। मैं उन्होंने शुक्रगुजार करता हूँ, वो साड़ी यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी ने और वो आए। रमा जी बारे तो सारे के मन में जज्बात ने, जो धन प्रदेश बहुत मशहूर हुई और उन्होंने अदाकारी का भी सिक्का मनिया, उन्हों का आना विशेष तौर पर साडे लई बहुत उत्साह वाला है। डॉक्टर रवेल सिंह मेरे और परम मित्र ने दिल्ली विच पंजाबी अकैडमी राही भी और उस तो बिना भी जिन्ना पाएदार काम उन्होंने किया है और जिन्ना हुण कर रहे हैं, ये माण योग है साडे लई। उन्हों का वक्त कढ़ना वो डायनेमिक साडे लीडर ने मित्र ने, जो नहीं सी आ सके उन्हों का बहुत मन सी पंजाबी साहित्य अर्जन की कॉन्फ्रेंस से आने का, उन्होंने कहा मैंने सची मुची मतलब हाल ये हो गया कि इस जमाने ने लोगों झूठ नूं इन्ना पक्का कर दिता, इन्ना आम कर दिता कि सच्चे बंदे नूं ये दसना औखा हो जाता कि भाई मैं सची मुची मुश्किल है, क्योंकि असी सच नूं सुनदे आदि बहुत घट गए, झूठ सानूं इन्ना सुनाया जा रहा है। तो नहीं आ सके हुण आए ने, उन्होंने विशेष तौर पर शुक्रिया। डॉक्टर तातला जी साडे बड़े नामवर चिंतक ने, अजकल साडी यूनिवर्सिटी विच ही खोज कर रहे ने इतिहास विभाग नाल जुड़ के, इन्हां दे डायस्पोरा बारे चिंतन बहुत म्यारी है और बहुत सोहना है। उन्होंने चिंता भी जाहिर की, उन्होंने कुछ वधिया गल्लां कीतियां जिन्हां दा असीं अगले सैशन विच वादा करते रहांगे। और वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह जी होरां दा धन्नवाद लफ्ज़ां दा मोहताज नहीं, आम तौर पर असीं फॉरमैलिटी नहीं करते, पर मैं समझदा कि इस यूनिवर्सिटी का हर विद्यार्थी हर अध्यापक ये जुड़िया होया हर व्यक्ति इस गलों बहुत चा खुशी महसूस करता, उन्होंने काम करना उन्होंने संगत में आना उन्होंने विचार वटांदरा करना, और जिनी वारी वो बोलते ने इन्ना दिलों बोलते ने और इन्नी वधिया तरह बोलते ने, सानू लगता है कि ये साडे लई बहुत वड्डे माण वाली गल है। और पंजाबी भाषा साहित्य सभ्याचार प्रसारण लई प्रफुल्लित करन लई जिन्हें नवे आइडियाज जिन्हें नवे प्रोजेक्ट उन्होंने दिते ने और पूरी इनवॉल्वमेंट ना उन्होंने अगे तोरिया है, मैं समझा कि हुण नहीं कि वर्तमान नहीं आने वाला समा भी इस यूनिवर्सिटी का उन्होंने हमेशा ऋणी रहेगा। और उन्होंने जिस तरह तो गल की मेरा ख्याल है कि मैंने और वाधा करने की लड़ नहीं, पर साडा सिर माण नाल उच्चा हुंदा है उन्होंने सरपरस्ती विच। तुसीं सारे जिन्हां साहित्यकारां दा बाहरों आए असी मित्रां दा सन्मान किया, कोई सन्मान उस तरह नहीं, ये साडी एक भावना सी, वह भावना जिहड़ी असी उन्हां तक पहुँचाउणा चाहुंदे सी यूनिवर्सिटी की तरफों वाइस चांसलर साहब की तरफों विभाग की तरफों कि तुसीं बाहरले मुल्कां च जाके पंजाबी लई और पंजाबीयत लई कुछ कीता है, साडे मन दे उस दा एहसान है। कोई मान सन्मान
ऐडा वड्डा नहीं, कोई मान सम्मान छोटा नहीं, उसके पिछे भावना होंगी है। साड़ी भावना एक बहुत पवित्र भावना सी। और एक गल जिदे बारे गल पहला हो चुकी है, डायस्पोरा अपने आप में जां डायस्पोरिक प्रसंग अपने आप में साडियां पंजाबियां दियां नहीं सारी दुनिया दियां आने वालियां ते समकाली हकीकतां ते भविखां लई बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर साडे वर्गे खेतरी सभ्याचारां लई, क्योंकि 400 साल सारी दुनिया के गोरे चिंतकों ने यह प्रचार करी रखिया कि इको एक ठीक कल्चर गोरा कल्चर है, और गोरे कल्चर के प्रतिमाना नूं यूनीवर्सल प्रतिमान बना के सारी दुनिया से लागू किया। प्रवासियों बारे उन्हां दी हर एक धारणा सी कि किते साडा मुल्क मैल्टिंग पॉट है, जिहड़ा आएगा इस मैल्टिंग पॉट विच पवे ते साडे वर्गा हो जाएगा। और खूबसूरती यह हुई कि भाईचारिया ने इन्नी पहलियां हालतों विच भी अपनी शनाखत अपना माण बरकरार रखिया। और मैं समझदा कि यह बड़ा नैगोशिएटिंग एरिया है, कंटेस्टिंग एरिया हैगा, इंटरेस्टिंग इस करके है कि इहदियां बहुत दिशावां ने, और असीं आने वाले 3 दिनां विच इन्हां दिशावां वल जावांगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। सारे आए मेहमानों का शुक्रिया, और अपने बच्चों का विशेष तौर पर शुक्रिया। तुसी इस चा नाल आए हो, इन्ने मौके पर आए हो, और मैं मेरी यही गुजारिश रहेगी कि सिर्फ सैलीब्रेशन ही ना होन, आने वाले समय में भी तुहाडे सहयोग की तुहाडी हाजिरी की सानू तवक्को रहेगी 3 दिन, ताकि असी अपनी इस गलबात इस डिबेट को होर खूबसूरत रूप दे सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद।